सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर। और शुरुआत हो रही है सो मुरेरी से, और हम हैं अभी एक होम स्टे में। अंकित को देखो, पिछले व्लॉग में मैंने क्या बोला था, इसकी जान फंसी हुई है, फंसी हुई है ठंड में। ये देखो, दोबारा उठाता हूँ इसको, नहीं ये देखो। चलो बाहर चलते हैं। ओ भाई साहब, ये देखो मेरे पैरों के बीच में आ गया। वो टेबल तो नहीं हिलेगा। अरे हाँ यार, एक इधर रख देते हैं फिर, यार टेबल तो लगानी पड़ेगी ना। तो ये हमारी दीदी यहाँ पर रहती हैं और ये ब्रेकफास्ट लेके आई है हमारे लिए। लो जी, एक बार हेलो तो बोल दो इस पे। हाय, हेलो। शर्मा रही हैं। चलो कोई नहीं, यहाँ के लोग शर्माते थोड़ा सा ज्यादा हैं। हम नहीं शर्माते, सबसे बात करते हैं। तो हमारा नाश्ता लग चुका है और हमने एज यूजुअल क्या ऑर्डर किया अंकित भाई? वही अंडा भुर्जी, साथ में रोटी और चाय। पिछले 7-8 दिन का ये 7-8 दिन नहीं, जब से नुब्रा से चले हैं, मतलब नुब्रा में जब से ठहरे हैं, वो स्टैंजिन भाई ने जो बना के दिया ना, हमें लत लग गई अंडा भुर्जी की। तो अंडा भुर्जी मंगाई है, रोटी मंगाई है और चाय। सो गाइस, ऐसा कुछ रूम है। एक बार फिर दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ। अंकित भाई ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं, सामान हमने सब पैक कर दिया है। और ये जो रूम है दोस्तों, ये हमें पड़ा करीबन 2000 रुपये का ना, करीबन नहीं 2000 एग्जैक्ट। तो फटाफट लगाते हैं अपने ये बॉक्सेस बाइक पे और दिखाते हैं आपको सो मुरेरी के थोड़े बहुत नज़ारे, फिर निकलते हैं सो कार पोलो कांगला पास होते हुए। तो 2000 रुपीज़ हमने पे कर दिए। एक बार मैं जो कार्ड है वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए नंबर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये जो गेस्ट हाउस है, जब भी आप एंट्री करोगे तो आपको नज़र आ जाएगा सो मुरेरी में। ओके जी, थैंक यू। एक बार हाथ मिलाना तो बनता है ना। चलो दोबारा मिलेंगे, ठीक। थोड़ा सा सांसों को इग्नोर करिएगा क्योंकि यहाँ पर सांस फूलती है भाई। जय माता दी। सो गाइस, ये है करजोक विलेज, इसको कि अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। छोटा सा विलेज है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये देखिए कुछ शॉप्स हैं लेकिन सब बंद हैं। यहाँ पर हमें शायद पेट्रोल की भी ज़रूरत पड़े, एक मिनट पता कर लेते हैं। हेलो, कैसे हो आप? हम अभी तो यहीं पर रुके थे पीछे। अच्छा, हमें ना पेट्रोल की ज़रूरत है थोड़ा सा। बहुत मुश्किल है चुमाथंग, जाना ही नहीं है। हाँ हाँ, सुमडू मिल जाएगा कंफर्म। ओके जी, थे हाँ हाँ, वही वही जहाँ से जाना है, हाँ वही। हाँ हाँ हाँ, ओके जी, थैंक यू। जुले चल, आगे भी पता कर लेते एक बार। तो अंकित भाई को पेट्रोल की थोड़ी सी ज़रूरत है, इस वजह से मैंने पूछ लिया। नामिकला गेस्ट हाउस, सारी शॉप्स बंद हैं यार, ऐसा कैसे चलेगा? एक बार यहाँ पे पता कर लेते हैं, अगर थोड़ा बहुत पेट्रोल मिल जाता है। कोई है? हेलो झूले, थोड़ा पेट्रोल मिल सकता है कहीं? कम से कम 2-3 लीटर, 5 लीटर हैं? पेट्रोल मिल सकता है? नहीं मिलेगा तो पेट्रोल का भी इशू है यहाँ पर, हमें कैरी करना चाहिए था एक्स्ट्रा। तो अगर आप आ रहे हो तो भाई अपना पेट्रोल एक्स्ट्रा ज़रूर कैरी करिएगा, क्योंकि हमारा थोड़ा सा कम पड़ गया। खैर मैं तो पहुँच जाऊँगा। हैं, हम अभी यहीं पर रुके थे, हम वैसे ले से आए। समडो मिलेगा कन्फर्म? समडो मिलेगा कन्फर्म? ओके चलो डन, थैंक यू। तो ये वाला रास्ता जाता है सो मुरेरी की तरफ। नीचे देखो कितनी सारी हट्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सारी की सारी बंद है। क्या नज़ारा है यार, क्या नज़ारा है। मुझे लग रहा है वो गेस्ट हाउस है क्या है पता नहीं, लेकिन लेक के पास क्या सुंदर लग रहा है। एक रास्ता इधर से जा रहा है, मेरा तो मन कर रहा था कि ऊपर चढ़ा जाए वो बिल्कुल टॉप पे, वो देखो वहाँ पर। और ये एक छोटी सी ट्रेल जा रही है बिल्कुल सीधी, पता नहीं कहाँ पर जाएगी, चाइना तो नहीं मिलेगी। ओ हो, क्या कलर्स है भाई, क्या कलर्स है सो मुरेरी के। देखिए रिफ्लेक्शन देखिए कितना सही आ रहा है। कहाँ? हाँ जा सकते हैं, यहाँ से मोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा,
इससे आगे ले जाना आसान नहीं है, यहाँ से मुड़ जाएगी। हाँ अटक गई है, लेकिन यहाँ से मोड़ना थोड़ा आसान होगा क्योंकि यहाँ पे ना देख ऊपर चढ़ाई भी है, पीछे पीछे करके मोड़ लेंगे, यहीं पे छोड़ देते हैं। हाँ यहाँ से तो पीछे भी नहीं हो रही भाई। अबे यार देख टायर कैसे घुस गया अंदर। हाँ ये मैं कह रहा हूँ हेल्प के बिना नहीं होगा ये, आपको पीछे करनी पड़ेगी मेरी बाइक। आओ पहले खड़ी तो हो, ये देखो पीछे खींचू, चला जा। ओहो एक्चुअली यहाँ पर ना टायर धस रहे हैं बिल्कुल, ये देखो बिल्कुल रेत है। एक बार भी हमने एक्सेलरेट किया और टायर अंदर। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको नज़ारा। डक्स भाग गई यार। तो थोड़ा सा आपको लेक के करीब लेके चलता हूँ। यहाँ पर हमने थोड़ी सी फोटोग्राफी वगैरह करी, उसमें सांस वगैरह फूल गई है, लेकिन भाई ये जो नज़ारा है ना इसको देख के दिल खुश हो गया। ये देखो कितना क्रिस्टल क्लियर वाटर है, सी एक एक पत्थर बिल्कुल डायमंड की तरह चमक रहा है। और उधर देखो वो जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं आपको बिल्कुल बर्फ़ वाले, वही रोड चुमूर जाता है, मतलब के पार चुमूर वाला रोड है, तो वो रोड सीधा चुमूर जाता है और फिर चाइना। तो हम चाइना के काफ़ी करीब हैं, यानी कि होगा मेरे ख्याल से मैक्स टू मैक्स 90 किलोमीटर। लेक का पानी देखो कितना नीला है और जो रिफ्लेक्शन पड़ रही है पहाड़ों की वो तो इस नज़ारे को और भी खूबसूरत बना दे रही है। और बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पर हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। इतना अच्छा टाइम स्पेंड हमने यहाँ पर किया, फोटोग्राफी करी, वीडियोग्राफी करी, हालांकि ड्रोन हम उड़ा नहीं सकते क्योंकि कल हमें सख्त हिदायत दी गई थी आर्मी की तरफ से, बेसिकली ITBP की तरफ से, कि भाई आगे ड्रोन नहीं उड़ाना है बिल्कुल भी। तो हम बिल्कुल भी नहीं उड़ाएंगे यहाँ पर ड्रोन। चलो जी निकला जाए, अब काफ़ी टाइम लगा दिया हमने यहाँ पर। ओके जी बाय बाय। हाँ अरे आराम से ही चला रहा हूँ मैं, तेज़ तो चला भी नहीं रहा एक्चुअली। ना मिट्टी ना बीच बीच में आ जाती है एकदम से, रेत आ जाता है। चलो धीरे ही चलते हैं अब थोड़ा सा, और पता ही नहीं चला एक्चुअली। वाइज़र बंद है ना और मेरा वाइज़र पूरा क्लियर भी नहीं है। अब तू आगे चल, मैं देखूंगा थोड़ा सा आगे। अच्छा नहीं मेरा तो पहला चांस था ये, जो बहुत ही गंदे वाला। तो यहाँ पर भाई बाइक बहुत गंदे तरीके से स्लिप हुई मेरी, हालांकि अपना जो कैमरा है ना वो बंद था, शुक्र है भगवान का पड़क नहीं हुई नहीं तो अभी हो जाता कांड, फिर उठाना भारी होता इस टाइगर को। आगे नहीं ज़्यादा नहीं है, ठीक है। जगह तो मस्त है, एवन हाँ। दिल्ली से हो? मैं भी दिल्ली से। हाँ दिल्ली जनकपुरी, सागरपुर। अरे वाह क्या बात है, दो दिल्ली, तीन दिल्ली वाले नहीं, चार दिल्ली वाले कहाँ मिल रहे हैं एक और है, अरे हाय सो मुनीरी के पास। अभी तो मैं ले जा रहा हूँ सोकर होते हुए, और ये ले मनाली हाईवे। हाँ हानले तो मैं तो नहीं गया इस बार, मतलब इस बार नहीं गया, पहले जा चुके हो बहुत बार। हाँ नहीं पैंगोंग पैंगोंग है। चलो जी ओके निकलते हैं, हम भी लेट हो रहे हैं, अच्छा लगा। चलो ओके थैंक यू। चलो एक चीज़ और बताता हूँ, सब्सक्राइब करना आप आओगे व्लॉग में, एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर।
लीजिए हम पहुंच गए सुमडो विलेज जहां से कि हमने कट लिया था कल। क्या राहत मिली है। पेट्रोल मिलेगा, पेट्रोल मिल जाएगा ना, पेट्रोल मिलेगा। नहीं नहीं बस दो ही हैं हम दो दीवाने मस्ताने लद्दाख में। क्या बात है। तो ये भाई बोल रहा है कि थोड़ा सा हमारे होटल को प्रमोट कर दो, कोई पैसा वैसा हम नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल फ्री में हम इनको प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि एक अच्छा काम कर रहे हैं ये। तो यहाँ पर इनका एक होटल है, ये देखिए पीछे सोमोरीरी जाते वक्त एक होटल बनाया हुआ है, कुछ कमरे हैं उधर भी, कुछ कमरे हैं इनके। तो अगर आपको कभी यहाँ पर रुकना हो, मतलब इस रास्ते पर फंस जाते हो या कुछ भी हो जाता है, तो यहाँ पर इस भाई के पास आप रुक सकते हो। तो होटल का नाम क्या है? सोमोरीरी रिसोर्ट। सोमोरीरी रिजॉर्ट, रिजॉर्ट है होटल। अच्छा सा बनाया हुआ है वहाँ पर, तो आप यहाँ पर रुक सकते हो। और यहाँ पर डीजल पेट्रोल वगैरह सब चीज़ मिलेगी। अंदर बात करते हैं, यहाँ पे रोशनी ज़्यादा है ना, तो अंदर बात करते हैं एक बार। धूप तेज लग रही थी बाहर। एक मिनट, कहाँ से आएगी, एक सेकेंड। तो ये पीछे इनकी शॉप है, तो इनके पास डीजल पेट्रोल वगैरह सब कुछ होता है। हाँ जी, होता है। हाँ जी, और इमरजेंसी के लिए दिखाना जरा बॉटल पूरी है ना। ये देखो ये छोटे बच्चे यहाँ तो घूम रहे, बहुत शैतान है। ये तो यार ओल्ड मॉक दे दी हमें। ओल्ड मॉक नहीं, दूसरी वाली दिखाओ। देखो तो ये सब 750 ml की है ना। हाँ जी, तो सभी 750 ml की है। और ये कितने की है? 110 रुपये ले रहे हैं, ज़्यादा नहीं ले रहे। हाँ, तो 100 रुपये से ऊपर वैसे भी यार पेट्रोल हो रखा है, थोड़ा सा कम है इसके अंदर, लेकिन ऑलमोस्ट बराबर है। इतनी ऊंचाई पर आकर अगर आपको पेट्रोल मिल रहा है वो भी, तो भाई बहुत सही है। मेरे ख्याल से इमरजेंसी में बहुत आपके काम आएगा। तो हम तो भरवा रहे हैं, अंकित भाई को ज़रूरत है। क्यों अंकित भाई? हाँ यार, 5 लीटर कम से कम चाहिए मुझे। कम से कम इनको 5 लीटर चाहिए। मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी थोड़ा बहुत ले लूँ। हवा देखो कितनी तेज हो गई, आंधी आ गई। ओह शिट मैन, तू भाई साहब, ये क्या, ये क्या था? बाइक तो नहीं गिरी? भाई देख, ये अचानक से क्या हो गया? पता नहीं, जो था चला गया। तो हमारा लंच भी आ गया। चलो जी आगे बढ़ा जाए। ये लो जी हम पहुंच गए सुमडो वाले दोराहे पे, जहां से हमने कट लिया था सोमोरीरी के लिए। जस्ट थोड़ा सा दूर है, और इस साइड जाएंगे तो ले मनाली हाईवे आएगा, और उसी साइड हमें जाना है। कल हम इस रूट से आए थे जहां पे ट्रक जा रहा है, और एक मिनट, इस रूट पे गए थे और आज हमें इस रूट पे जाना है। ओ तेरी, ये तो क्रॉस करना पड़ेगा लग रहा है। ओ भाई साहब काफ़ी पानी है। जय माता दी। ओ हो, ऊपर तक आ गया भाई, ऊपर तक आ गया। काम चल रहा है रोड का, तो साइडों से रास्ता दिया हुआ है। काफ़ी पानी था यार, उसमें लग ही कम रहा था। तूफान आ गया भाई, तूफान आ गया, तूफान का देवता थॉर। और रोड कंडीशन आप देखो भाई साहब, बड़े बड़े गड्ढे, बड़े बड़े। और ये वाला जो रूट हम ले रहे हैं, ये बिल्कुल शॉर्टकट है सोमोरीरी से ले मनाली हाईवे पहुंचने का। सी यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा हुआ, बोर्ड वगैरह है ही नहीं। ये वाली जो बिल्डिंग है काफ़ी बड़ी लग रही है। तो ये है स्कूल पूगा। जी हाँ, तो चांगथांग रीजन है ये, और पूगा जगह का नाम है। चढ़ जा बेटा शेर, चढ़ जा, टाइगर है तो टाइगर। चढ़ाई चढ़ रहे हैं हम पोलो कांगला पास की। अभी तो बहुत सारे कट आने बाकी हैं चढ़ाई। वो देखो कैंचियाँ नज़र आ रही हैं ऊपर। चलो चलो चलो, इस वाले से, इस वाले से, इस वाले से। हाँ, इस वाले से, इस वाले से। वो बंद मिलेगा आगे, बंद मिलेगा आगे, बंद मिलेगा आगे। हाँ हाँ बंद मिलेगा, श्योर शॉट है।
तो ऐसे रास्तों पर मैं तो सजेस्ट करूँगा कोई भी शॉर्टकट वगैरह ना लें, क्योंकि कहीं पर अगर आप फंस गए तो बहुत दिक्कत हो सकती है, हेल्प करने वाला भी नहीं मिलेगा कोई। तो जो मेन रोड चल रहा है उसी को पकड़ के चलते रहें, ज़्यादा बेटर है। रोड कंडीशन बद से बदतर है यहाँ की, तो अभी तक इतनी रोड कंडीशन पूरे ट्रिप में देखी नहीं मैंने ख़राब, सबसे ज़्यादा यहाँ पे ख़राब है। देखो ओहो गिरते गिरते बचा हुआ अभी, ओ मैन। लो जी हम पहुँच गए पोलो कांगला, ये देखिए कितने सारे फ्लैग्स लगाए हुए हैं यहाँ पर टॉप पर। टाइम हो चुका है 4:28, सी दिस इज पोलो कांगला पास। और दो बंदे आ रहे हैं आगे से, इतनी देर बाद कोई नज़र आया मुझे, धीरे धीरे चलते हुए आ रहे हैं आगे से। ये देखो कैसे मस्त लग रहे फ्लैग्स, ओहो हो एक नंबर एक नंबर। हमारी टाइगर पहुंच गई पोलो कांगला, खरदुंगला, चांगला और बहुत सारे और अन्य पासेस। शाबाश टाइगर, शाबाश शाबाश शाबाश। झूले कैसे हो आप, ठीक हो? अच्छा इस पास का नाम आपको पता है? जी? इस पास है ना, ये पास पोलो कांगला, पोलो कांगला। हाइट पता है आपको? हाइट नहीं पता, हाइट मुझे भी नहीं पता खैर, लेकिन ये पता है कि पोलो कांगला पास है ना। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो हैं? अच्छा वो बकरियाँ जो आपकी हैं, ओके बढ़िया। इतनी ऊंची आ गए आप कहाँ पे रहते हो? पीछे जो टेंट है इधर इस साइड, ओके। तो ये नज़ारे हैं जी पोलो कांगला पास के, और यहाँ पर ये अपनी बकरियों को घुमाने के लिए लेके आए हैं। वो देखिए वहाँ पर कितनी सारी भेड़े हैं, बकरियाँ हैं। ठंडी लग रही है आपको? थोड़ा थोड़ा, ओके। अकेले कैसे घूम रहे हो फिर, मतलब डर नहीं लगता अकेले घूमने में यहाँ? नहीं कोई अकेला, मतलब बाहर से आए उसको तो डर लगेगा है ना, कि कोई भी नहीं है दूर दूर तक। खैर हम तो एडवेंचरिस्ट हैं, कहीं पे भी पहुंच जाते हैं। चलो ओके जी झूले। कहाँ ले आए, बंजर जमीन है, बंजर आसमान है, बंजर ही है अभी तो, ना चांद है ना तारे हैं, बंजर ही है, सूरज ही है बस, अकेला बंजर ही है, पहाड़ है। सो गाइस ये जो फोटोग्राफ्स है जितनी भी मैं खींच रहा हूँ सारी की सारी आपको देखने को मिलेंगी इंस्टाग्राम पर, तो फटाफट फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पर, वहीं पर जो लाइव अपडेट्स है मैं डाल रहा हूँ। और सामने ही सोकार है, और ये जो पहाड़ों की रेंज है कितनी खूबसूरत लग रही है, हालांकि धूप बहुत तेज है। और आईफोन से अपने एक दो फोटोग्राफ लेते हैं और आपको दिखाते हैं इंस्टाग्राम पर। ये पहुंच गए सोकार कैंप्स, देखते हैं यहाँ पर स्टे अवेलेबल है या नहीं है, ये देखना पड़ेगा हमें। हेलो चलो, हेलो, हाथ मिलाओ हाथ मिलाओ, हैं? ये कैमरा है कैमरा, हाँ। खाने का है कुछ, खाने का है कुछ, ओके। और रहने का कुछ जुगाड़, चाय वाय पी लेते हैं, हाँ कुछ खाते हैं।
खुशा मारेगा, खुशा मैं खुशा मारेगा, देख खुशा मारेगा हैं। चलो अंदर चलते हैं जा। ये देखो यहाँ पे क्या शानदार बैठक बना रखी है। सो गाइस आज का स्टे हमारा कहाँ है, यहाँ है जी हाँ, सोकर कैंप है ये। मतलब यार एक कैंप लगा हुआ है तो यहीं पर हम रुक गए हैं, यहीं पर खाना वाना सब कुछ हो जाएगा, डिनर हो जाएगा। बाकी अंकित भाई ने अपना सामान उतार लिया है और अपने टॉप बॉक्स एज़ यूजुअल यहाँ पर लगे हुए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि इनको उतारो ही ना, क्योंकि कल मुझे ले जाना है, अंकित भाई निकल जाएंगे। आज का आखिरी रात आखिरी रात है साथ में। तो एक गाना याद आ रहा है, नहीं गाना नहीं, एक डायलॉग याद आ रहा है, तुसी जा रहे हो, तुसी जा रहे हो तुसी ना जाओ तो वो वाला डायलॉग याद आ रहा है। ये वाला चलो मेरे साथ चलो इस वाली लेन में पकड़ अभी के। अभी भाई साहब बहुत सारे जो सरप्राइजेज है ना वो आपको एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर पर मिलने वाले हैं, वो भी बहुत तगड़े वाले बिल्कुल मिलेंगे। तो नज़ारे बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर है। अभी हमने एक ड्रोन शॉट लिया है, आप वो देखिए, उसके बाद डिनर वगैरह करके हम सो जाएंगे और करेंगे ब्लॉग को एंड। एक बार बाहर फिर दोबारा से चलते हैं और एक लाइन में ज़रूर बोलना चाहूँगा कि यार ये देखो नज़ारे तो आपको अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे ही, अगर ज़िंदगी जीना चाहते हो ना तो भाई ट्रैवल करो, ट्रैवल करो, नज़ारे देखने को मिलेंगे, कल्चर देखने को मिलेगा, फूड एक्सप्लोर करने को मिलेगा अलग अलग। तो यही है ट्रैवल इज़ लाइफ। लो जी ये लो जी हमारा आज का डिनर आ गया, एक प्लेट हाँ फटाफट खाएंगे। तो आज का व्लॉग एंड करते हैं मोमोज और चाउमीन के साथ। तो भाई करें एंड फटाफट, भाई को बहुत जल्दी है। ये लो जी हमारे जो कैमरामैन है चेंज हो गए हैं, किन्होंने कैमरा पकड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दौरजे जी, दौरजे। और ये यहाँ के ओनर है जिनका टेंट है, तो इन्होंने हमारा कैमरा पकड़ लिया है। पहले ये होता रहेगा, मेरे को वो दो खट्टी लाल चटनी तेजी वाली। इसको बहुत भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है, बहुत फटाफट रोज का है खाना, ठंडा खाता हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जिस दिन खाना आ जाए, स्लो मोशन ना लिए गए हो, एडिटिंग ना हुई हो, शूट ना हुआ हो, तो भाई देखो ठंडा खाना हो जाता है। देखो व्लॉगर्स लाइफ ऐसी होती है, खाना ठंडा हो जाता है, ऐसे ही खाया जाता है। तो भाई फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी चलती रहती है। तो चलो फटाफट आज का व्लॉग एंड करते हैं। मैंने आपको बता ही दिया कि मोमोज और चाउमीन के साथ आज का व्लॉग एंड कर रहे हैं, तो करते हैं हम अंकित भाई के साथ। यार इधर शेडो आ रही है, तो करते हैं हम आज का व्लॉग एंड। हम मिलेंगे कल सुबह अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, जय हिंद एंड सायोनारा। सायोनारा आप भी बोलो, सायोनारा सायोनारा। चलो जी। Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta es salir y se suelta. Cuando baila reggaeton pa' mí, que muñeca. Me gusta salir y se lo siento.